हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर, आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान। फ्रेंड्स, फास्ट ट्रैक पर रिवीजन कराने वाले हैं। अभी तक तो मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताई थी अपनी सीरीज़ के माध्यम से हरियाणा के बारे में। अब हम आज वन लाइनर क्वेश्चंस को हम आपको कराएंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट्स का ही रहेगा फ्रेंड्स, जिससे आपको आसानी हो इनको याद करने में भी और इनको पढ़ने में भी। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारी सीरीज चली हुई है, चाहे वो साइंस की सीरीज हो या वो हिस्ट्री की सीरीज हो या वो कॉमन जीके की सीरीज हो या मैथ की सीरीज हो, वो एपिसोड्स के रूप में चली हुई है फ्रेंड्स। वहाँ पर नंबरिंग डाल दी गई है वीडियो के ऊपर, तो आप वन बाई वन उनको आप शो कर सकते हो, देख सकते हो और अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी आप फ्रेंड्स कर सकते हो। चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, रानी सौद्राही किस रियासत से संबंध थी? रानी सौद्राही किस रियासत से संबंध रखती थी? जींद से। डोसी तीर्थ स्थल किस स्थान पर स्थित है? नारनौल में। शीशे वाली मस्जिद किस जिले में है? रोहतक में। बाबा साकमाल की मजार कहाँ पर निर्मित है? कैथल में। कैथल में स्थित है बाबा साकमाल की जो मजार है। नेक्स्ट आपका, काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। गुरुद्वारा मंजी साहब हरियाणा के किस नगर में स्थित हैं? लाखन माजरा रोहतक में। परमवीर चक्र प्राप्त मेजर होशियार सिंह का संबंध कहाँ से है? मिसाना सोनीपत से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थापित है? रोहतक में। बालू का टीला कहाँ पर स्थित है? रोहतक में। सीसवाल हिसार किस नहर के किनारे स्थित है? चेतांग नहर। डॉक्टर अम्बेडकर सिकल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा चुकी है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ पर है? गुड़गांव। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र तथा हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? नीलोखेड़ी करनाल में। बीरवारा वन अभ्यारण्य किस जिले में? जींद में। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर। तो जो फ्रांसीसी जो वास्तुकार था उसका नाम क्या था? ली कार्बूजियर। मेहर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1918 में बरौना सोनीपत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन की। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ? कुंजपुरा। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत के बाहौली में कौन सा कारखाना लगा है? IOC की तेल रिफाइनरी। हरियाणा में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? साक्षी मलिक को। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ताजेवाला हथनी कुंड बैराज से। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा में श्रमिक न्यूनतम वेतन दर क्या है? 300 रुपये प्रतिदिन। मनोज कुमार का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग। हरियाणा के गगन नारंग कौन से खेल से संबंधित रखते हैं? शूटिंग। ब्रिज के सुप्रसिद्ध हरियाणवी कवि का नाम क्या है? सूरदास। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा के बल्लभगढ़ के सी नामक गांव में हुआ था उनका जन्म। भविष्य काल के भक्ति काल के फ्रेंड्स, कृष्ण भक्त शाखा के कवि हुए थे सूरदास जी। चलते हैं यहाँ पर, हरियाणवी के सुप्रसिद्ध संत कवि का नाम लिखें, संत गरीबदास। चंडीगढ़ में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 1। यमुनानगर का पुराना नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। रोहतक नगर की स्थापना किसने की थी? रोहतास ने। अंबाला नगर की स्थापना
की स्थापना किसने की थी? अम्बा राजपूत ने। नेक्स्ट है आपका, नारायणगढ़ नामक कस्बा किसने बसाया था? राजा लक्ष्मी नारायण ने। दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? झज्जर में। पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय थे? सर सादी लाल। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के उपनाम से कौन जाना जाता है? लाला मुरलीधर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? कुबेर तीर्थ। भगवान विष्णु का स्थाई निवास किस तीर्थ में माना जाता है? सन्निहित तीर्थ में। वर्ष 1952 में पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य कौन बने? चौधरी देवीलाल। मोरनी क्षेत्र में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? चीड़। रोहतक से हरियाणा तिलक नामक साहित्य पत्र का प्रकाशन किया था? पंडित श्री राम शर्मा ने। नेक्स्ट है आपका, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। स्काई लार्क काला अंबा बुलेज पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? पानीपत में। गुड़गांव फर्रुखानगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शेख फरीद। गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थल पर रुके? गुरुद्वारा लखन माजरा पर। नेक्स्ट है आपका, समा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? गुड़गांव में। शाहकुली खां द्वारा निर्मित आराम ए कोसर बाग कहाँ अवस्थित है? नारनौल में। सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? आदिबद्री से प्रवेश करती है सरस्वती नदी। ढोसी तीर्थ स्थल किस ऋषि से जुड़ा हुआ है? च्यवन ऋषि से। कोसो मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है चंडी मंदिर। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, तोसाम तहसील में अलग प्रकार का पत्थर मिलता है, उसका नाम बताइए? ग्रेनाइट। हरियाणा का जिला जिसमें सबसे ज़्यादा वन है? पंचकुला। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएँ अरावली पर्वत। राज्य के किस मकबरे को पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? शेख सहेली। प्रदेश के फर्रुखानगर खंड में कौन सी झील स्थित है? सुल्तानपुर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, हरियाणा के उत्तर प्रदेश नहीं हरियाणा के उत्तर में उत्तर जो क्षेत्र है कौन सा प्रदेश स्थित है? हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश स्थित है फ्रेंड्स, उत्तर में। हरियाणा के सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? पश्चिम यमुना नहर। लाल नहर द्वारा प्रवेश प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? महेंद्रगढ़ जिले में। हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रभावित होने वाले दो प्रमुख नदियाँ हैं साहिबी एवं इंदौरी, ये दो नदियाँ हैं। मेवात जिले से नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? सन्नो देवी। पिंजौर का पुराना नाम क्या था? पंचपुर। सूरजकुंड का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तोमर राजा सूरजमल ने। हरियाणा के जवाहर लाल नेहरू नगर किस नहर से निकलती गई है? यहाँ पर भागड़ा नहर से। पंडित जसराज तथा सुलक्षणा पंडित का संबंध कहाँ से है? पीली मंदौरी फतेहाबाद। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम क्या है? राव वीरद्र सिंह। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को विधानसभा में 81 में से
कितनी सीटें प्राप्त हुई? 48 सीटें। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को निम्न में से किसकी सिफारिश से की गई? सरदार हुकम सिंह। सर्वाधिक गांव किस जिले में है? यमुनानगर जिले में सर्वाधिक गांव आपके दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? आनंद स्वरूप। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले में गिरफ्तार किया गया था? हिसार जिले में गिरफ्तार किया गया था। निम्न में से किसने प्रथम विश्वयुद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा के सैनिक भर्ती का विरोध किया था? नेकीराम शर्मा ने। वीर घटोत्कच फिल्म के अभिनेता मास्टर चंदीग्राम का संबंध कहाँ से है? वीर घटोत्कच फिल्म के अभिनेता मास्टर चंदीग्राम का संबंध कहाँ से है? हिसार से, सिसाए हिसार। हांसी का पुराना नाम क्या है? आसी, आसी का। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया? हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया था? 1858 में। सांझी फिल्म की नायिका सुमित्रा हुड्डा का संबंध कहाँ से है? आसन गांव, रोहतक से। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, किसका कथन है? नेकीराम शर्मा का कथन है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी आज की यहाँ पर जीके थी हरियाणा की, जो आपकी आपको पता ही है, क्लर्क हरियाणा पुलिस, एचटेट, सीटेट, दिल्ली पुलिस में सभी में ये पूछा जाता है। बैंकिंग, फोर्थ क्लास, कोई भी भर्ती आपकी होती है तो वहाँ से हरियाणा की जीके पूछी जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।